मेट्रो से मरेश्मी पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से, तहसीलदार कोंच के खिलाफ वकीलों ने खोला मोर्चा। गाड़ी से निकलकर भाग खड़े हुए तहसीलदार कोंच, पब्लिक द्वारा तहसील परिसर में लोगों ने मां बहन की दी गालियां, तहसीलदार चोर के लगाए नारे, वीडियो हुआ वायरल। भार संघ अध्यक्ष हरी सिंह निरंजन से ही गलत भाषा में करने लगे तहसीलदार आलोक कटियार बात, जिसके बाद भड़क उठे तहसील कार्यालय के पास अधिवक्ता और आनन फानन में भाग खड़े हुए तहसीलदार आलोक कटियार। अधिवक्ताओं ने लगाए तहसीलदार चोर के नारे, तहसीलदार मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। भार संघ अध्यक्ष हरी सिंह निरंजन सहित अन्य अधिवक्ताओं ने बताया कि बिना दाम के तहसीलदार कोंच आलोक कटियार नहीं करता कोई भी काम। अधिवक्ताओं ने कहा पैसे लेकर तहसीलदार कोंच करते हैं हर तरीके के कार्य, उनके पास सारे साक्ष्य हैं उपलब्ध। तत्काल अधिवक्ताओं के साथ कोंच बार संघ अध्यक्ष हरी सिंह निरंजन ने की बैठक, जब वहीं तहसीलदार कोंच आलोक कटियार से बात करनी चाहिए तो वो कार्यालय में मिले ही नहीं। स्टाफ ने बताया कि पता नहीं तहसीलदार साहब कहीं चले गए। बड़ी खबर जालौन मेट्रो पर इस वक्त आप देख रहे हैं जालौन से, जहां तहसीलदार कोंच के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोलते हुए पब्लिक द्वारा यहां पर तहसील परिसर में लोगों ने मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी, तहसीलदार चोर हैं तक के नारे लगाए गए हैं, ये वीडियो वायरल हुआ है। गाड़ी से निकलकर भाग खड़े हुए तहसीलदार कोंच। जालौन मेट्रो संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। आज कोंच बार संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं तहसीलदार महोदय के पास गया और उनसे सारे अधिवक्ताओं की जो प्रार्थना पत्र उन्होंने हमें दिए, पीड़ित हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, स्पष्ट से परेशान हैं, इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिए, तो उसके संबंध में हम उनसे बात करने गए कि आप काम करिएगा, सुलभ करिएगा, सस्ता करें, न्यायप्रिय करें, सुलभ तरीका से। तो उन्होंने ये कहा कि हम ठीक करते हैं जैसा भी है ये सब सारी चीज़ें। तो मैंने कहा उनसे कि हम वार्ड संघ अध्यक्ष होने के नाते हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं ये सब सारी चीज़ें। तो बोले कहना कि दिनभर यहाँ अध्यक्ष दिनभर आते हैं, वो दिनभर जाते हैं, चलिएगा तुम भी चलिएगा, बाहर चलिएगा। तो हम भी बाहर चले आए उन्हीं के साथ। तो हमने कहा कि आप किस भाषा से बोला करते हैं, हमारे साथ माता प्रसाद जी भी थे, तो उन्होंने कहा कि आप ये सब सारी चीज़ें कर रहे, तो उनसे बदतमीजी से बोल करके उन्हें जाति जूसक शब्दों से नवाजा, तमाम यहाँ आते हैं, चलिएगा यहाँ से। तो हम लोग जब बाहर आए तो अब जब वहाँ इनके साथ फोर्स थी तो ये लोग ये हमारे ऊपर आक्रामक मुद्रा का इन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया। जब हम बाहर आए तो हमने बाहर आवाज़ लगाई तो हमारे अधिवक्ता मेरे साथ आए और मेरा साथ दिया उन्होंने, सारे अधिवक्ताओं ने। जब उन्होंने अपनी पीड़ा बताई तो सारे अधिवक्ताओं ने इनके खिलाफ प्रार्थना पर निंदा प्रस्ताव किया और कल हम सारे के सारे अधिवक्ता न्याय कार्य से व्रत रहेंगे। परसों हम इनके लिए पुनः 26 तारीख को एक मीटिंग बुला करके अगली रणनीति के बारे में समझ जी। आलोक कटियार जी, कार्य प्रणाली आलोक कटियार, कार्य प्रणाली एवं पूर्व बार संघ मंत्री श्री माता प्रसाद जी के साथ अभद्र व्यवहार एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाना, काम में डूबे तहसीलदार कोंच द्वारा किए गए अमान्य व्यवहार एवं उनके भ्रष्टाचार में संलिप्तता होने से पीड़ित अधिवक्ताओं ने सब सहमति से आज यह निंदा प्रस्ताव पारित किया एवं निर्णय लिया। पहला प्रस्ताव तहसीलदार। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।